श्री सिटी प्रेस क्लब उज्जैन के अध्यक्ष और कार्यकारिणी मेंबर ने प्रेस लिखे हुए वाहनों की जांच का मांग का ज्ञापन दिया। प्रेस क्लब के अध्यक्ष शैलेन कुलमी और कार्यकारिणी पदाधिकारी एडिशनल एसपी अमरिंदर सिंह और एडिशनल एसपी रविंद्र वर्मा के साथ एक चर्चा की गई, जिसमें अधिकारियों ने कहा कि प्रेस लिखे वाहनों की जांच की जाए, जो वाहन मीडिया संस्थान से जुड़े हैं उन पर कार्यवाही ना की जाए और जो वाहन इन संस्थान से नहीं जुड़े हैं उन पर कार्यवाही की जाए। कई संगठन चल रहे हैं और प्रेस का दस्तावेज फर्जी बनाकर जारी कर रहे हैं, उनकी भी जांच की जाए। जो अवैध गलत पाए जाते हैं उन पर कार्यवाही की जाए। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जिनका कोई पता नहीं और ये लंबे समय से धीरे धीरे ये गंदगी फैल रही है। उज्जैन खबरों का शहर है, महाकाल का शहर है, धार्मिक पर्यटन का शहर है। यहाँ पर विशिष्ट लोग भी आते हैं, काफ़ी शासकीय योजनाएं हर वर्ष तैयार होती हैं, कभी स्मार्ट सिटी को लेकर, कभी इको सिटी, कभी हेरिटेज सिटी। तो ऐसे में ये जो कुछ आदतन लोग हैं उन्होंने देखा कि पत्रकारिता बहुत अच्छा है। लेकर दिया गया था और क्या रहा? कलम बेच देंगे, ईमान बेच देंगे और इन फर्जियों पे यदि कुछ नहीं लगेगा तो वतन बेच देंगे। आज के प्रेस क्लब ने जिनके पत्रकारों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर पुलिस अधिकारियों को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की गई है कि उज्जैन में, शहर में, जिले में प्रेस लिखे वाहन हैं उनमें अधिकांश फर्जी हैं, जिनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है और ये दूसरे व्यवसायिक काम निपटाते हैं। चौपहियाँ, कार, लोडिंग गाड़ियाँ, स्कूटर, बाइक पर प्रेस लिखे अनगिनत वाहन हैं, जिनकी आने वाले दिनों में, अब दो दिन का अभी अभ्यास वर्ग है मुख्यमंत्री जी का, इसके बाद संभवतः 15 फरवरी से एक महीने का पवित्र अभियान उज्जैन में चलाया जाएगा और ये जो है पूरे शहर में चेक पॉइंट बनाकर चेकिंग की जाएगी। इसमें यदि कोई पत्रकार फर्जी पाया जाता है, जिसकी आईडी फर्जी है और फर्जी संगठन से जुड़ा है, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए भी हमने ज्ञापन दिया है। इसमें एसपी साहब से, अन्य अधिकारियों से चर्चा हो चुकी है। इस अभियान का उद्देश्य ये है कि जो उज्जैन के 350 मुख्य पत्रकार हैं उनको साथ में लेकर इस पूरे कार्य को पूर्ण करना है। मेरी सभी से अपील है कि अभी एक सप्ताह तक हम सभी मुख्य जो संस्थान है, दैनिक भास्कर, पत्रिका, नई दुनिया, बड़े चैनल्स, उसे निवेदन करेंगे कि वो अपने यहाँ के रिपोर्टर कर्मचारियों की सूची हमें दें, जो हम ट्रैफिक पुलिस को दे सकें। उसके एक सप्ताह बाद फिर शेष बचे लोगों का अभियान चलाया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, ट्रैफिक पुलिस के साथ उज्जैन की प्रेस भी इस काम में मदद करेगी, इसीलिए आज ये पूरा ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया था। प्रेस लिखे हुए वाहनों को जांच की जाएगी, किस प्रकार से कार्रवाई होगी और किस प्रकार से क्या रहेगा? पुलिस कंट्रोल रूम उज्जैन में एक डेलीगेशन के द्वारा, जो इसमें सिटी प्रेस क्लब के सभी सदस्यों के द्वारा एक मेमोरेंडम दिया गया है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स रेज किए गए हैं, तो उन पर हम सभी पुलिस हैं जनसंपर्क और जिला प्रशासन के माध्यम से पूरा कोऑर्डिनेशन करते हुए इसमें जो भी एक एक्शनेबल पार्ट है उसमें कार्रवाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।